हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद ईशू। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही इजी है और आज हम क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी बनाएंगे। तो अगर आपको भिंडी की क्वांटिटी बताऊँ तो यहाँ मैंने भिंडी टोटल आधा किलो ली है। तो भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया है, उसको वॉश करके अच्छे से पोंछ भी लिया है। तो यहाँ सारी भिंडी को मैं कट कर रही हूँ सबसे पहले। तो ऐसे आप दो दो भिंडी लें, ऐसे लेकर इसको ऐसे इक्वल पार्ट्स में ऐसे कट करें। ये देखिए, कुछ ऐसे ही आपको सारी भिंडी कट करनी है। ये देखिए, मैंने अपनी सारी भिंडी को कुछ इस तरह कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ मैंने लिया है अपने चार प्याज, अनियंस लिए हैं मैंने, अनियंस टोटल फोर लिए हैं और इनको मैंने वॉश कर लिया और इनको पील ऑफ भी कर लिया है। सो अब थोड़े से हम डिफरेंट स्टाइल से अनियंस कट करेंगे। सबसे पहले तो इन तीन अनियन को हम साइड कर देते हैं और ये वाला अनियन लेते हैं। इसको मैं सबसे पहले तो फोर पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ये देखिए, इसको मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट शेप में कट करूंगी कि ताकि जब लास्ट में जब बनेगा ना तो बहुत अच्छा लुक आएगा, वो आपको पता चल ही जाएगा। ये देखिए, मैं इसको कुछ ऐसे कट कर रही हूँ, अलग शेप में हम कट करेंगे। इसी तरह से आपको अपनी बाकी के पार्ट्स भी ऐसे कट करने हैं। बाकी जो तीन अनियन से हम उनको अलग शेप में कट करेंगे, इसको आपको ऐसे कट करना है। ये देखिए, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है गाइस, ये ज़रूर आप ट्राई करें घर पे। तो आप बाकी के तीन अनियन भी ले लेते हैं हम, उसको भी ऐसे हम हाफ कट करेंगे। ऊपर की जो टॉपिंग होती है, येलो जो पार्ट है, उसको हम ऐसे साइड कर देंगे। देन जैसे आप करेले की सब्जी बनाते हो, नॉर्मल सब्जी जो बनाते हो, सूखी सब्जी, उसमें जो लंबे लंबे शेप के अनियन कट करते हो, वैसे ही आपको करने हैं। ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग शेप के जो अनियंस नहीं होते, सेम आपको वैसे ही कट करने हैं। इसी तरह से मैंने अपने सारे अनियंस को कट कर लिए। ये देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ मैं लिए हैं ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली का जो ऊपर वाला टॉप है वो मैं इसको निकाल लूँगी और जो नीचे वाला टॉप है उसको भी मैं ऐसे निकाल लूँगी। ऐसे मैं बाकी भी कर लेती हूँ। ग्रीन चिली से काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी आ जाता है और बहुत टेस्ट आ जाता है। स्पाइसी पसंद है तो ग्रीन चिली ज़रूर ऐड करें। ऐसे ही मैं इनका टॉप निकाल रही हूँ। अब बहुत मेन प्रोसेस है गाइस, क्योंकि मैं इसके बीच में ना एक लाइन ऐसे लाइन डाल रही हूँ। मैं क्यों डाल रही हूँ, जब भी हम मसाले डालेंगे ना तो भिंडी जो ये मिर्ची है उसके अंदर सारे मसाले आ जाएंगे ना, तो बड़ा टेस्ट आएगा। तो मैंने सोचा इसके अंदर ऐसे एक लाइन डाल दी जाए। तो इस स्टेप को ज़रूर करना, टेस्ट आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ मैंने रखी है सबसे पहले तो एक कढ़ाई, क्योंकि अब हमें अपनी जो सारी वेजिटेबल्स हैं सब कुछ उनको फ्राई करना है, अनियंस वगैरह को। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल, जितनी भी आप सूखी सब्जी है उसमें सारा सा सरसों का तेल ही ऐड करते हो मोस्टली सूखी सब्जियों में। तो आप इसको अच्छे से पहले गरम कर लोगे, एक से दो मिनट तक आप इसको गरम करेंगे। जब भी गरम हो जाए फिर आप अपनी एक एक करके सारी चीज़ें ऐड करोगे। सो गाइस, एक से दो मिनट हो चुके हैं, गरम हो गया है। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन। लहसुन को यहाँ मैंने वॉश कर लिया है और ऐसे उसका ना छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट कर लिया और इसको मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। ऐसे देखिए, अब जब हमारा हल्का लहसुन फ्राई हो जाए हमें इसमें ऐड कर देंगे अपने प्याज। प्याज में पहले मैंने अपने मोटे मोटे शेप वाले ऐड करे हैं, फिर उनको प्याज और लहसुन को निकाल लिया है। फिर मैं ऐड कर रही हूँ भिंडी। भिंडी को भी हम ऐसे हल्का फ्राई करेंगे। उनको प्याज और लहसुन को मैंने अलग पहले ही निकाल लिया था। अब देखिए, आप भिंडी को भी ऐसे हल्का फ्राई करोगे, आप देख सकते हो गाइस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है पहले वाली भिंडी में और अब वाली भिंडी में। जब हल्की फ्राई हो गई है, इसको भी हम एक ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे। पहले मैंने प्याज लहसुन को निकाला एक प्लेट में, अब मैंने भिंडी को भी निकाल लिया अलग से प्लेट में। तो प्याज मैंने मोटे वाले लिए थे, ये चीज़ ध्यान रखना, पहले मोटे वाले फ्राई करे थे। फिर मैं कढ़ाई ले रही हूँ, सेम प्रोसेस से ही हम चलेंगे। अपना सरसों का तेल ऐड करेंगे, देन उसको गर्म करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे अपने अनियंस। अनियंस यहाँ मैं वही वाले अनियंस ले रही हूँ जिनको मैंने लंबा लंबा शेप में कट करा था। ये देखिए, इसको से हल्का हल्का आप ऐसे फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए ग्रीन चिली। आप इसमें अनियंस के पहले आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो, जीरा भी ऐड कर सकते हो। यहाँ मेरा मिस हो गया जीरा। तो ग्रीन चिली को ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए भिंडी। भिंडी को भी पहले हमने हल्का फ्राई करा था, अब इसके इसमें भी ऐड कर देते हैं। हल्का हल्का आप हाथ चलाएंगे, बिल्कुल वैसे नहीं चलाएंगे, मतलब
ज़्यादा नहीं चलाएंगे अपना जो करछी है। फिर हम यहाँ डाल रहे हैं नमक, नमक की क्वांटिटी है मैंने हाफ टेबल स्पून ली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करें। फिर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, फिर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो भिंडी है वो टूट ना जाए। इसको ढक कर रख देंगे फिर 5 से 7 मिनट के लिए। पाँच से सात मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारी भिंडी कितनी बनी है। ये देखिए हल्की फ्राई हो गई है हमारी भिंडी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है गाइस, ये लग रही है ना एकदम परफेक्ट। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ धनिया पाउडर, अमचूर, अमचूर यहाँ मैं 1 पिंच ले रही हूँ एक चुटकी के करीब। फिर ऐड करो 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, फिर इसके ऊपर आप ऐड करो ऐसे धनिया कोरिएंडर, फिर आप इसको ऐसे हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। इन सब चीज़ों से गाइस बहुत ही टेस्ट आ जाता है। अमचूर ले लो, धनिया पाउडर ले लो, ऐसे कोरिएंडर ले लो, मतलब इन सब चीज़ों से गरम मसाला से भी काफ़ी टेस्ट आ जाता है। फिर इसके ऊपर आप ऐड कर दीजिए, लास्ट स्टेप है हमारा प्याज और लहसुन का, जो हमने मोटे मोटे कट करे थे पहले ही फ्राई कर लिया था जिनको। देखो अब लुक्स देखना लास्ट में कितनी अच्छी आएंगी गाइस। इसको 1 से 2 मिनट के लिए आप फिर से ढक कर रख दें बस। फिर 1 से 2 मिनट बाद देखते हैं भिंडी हमारी ऑलमोस्ट गाइस रेडी हो चुकी है। कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है गाइस ये रेसिपी, बहुत ही परफेक्ट है, कितनी अच्छी है रेसिपी। और मैंने बोला था ना कि जो हमारे प्याज हैं वो तो लग ही बहुत डिलीशियस रही हैं, जो हमने अलग से शेप में कट करे थे। तो मिर्ची में भी हमारे सारे मसाले चले गए हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी सो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिया करिए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। और लग रही है ना हमारी भिंडी डिलीशियस रेसिपी, ऐसी और रेसिपीज़ चाहिए तो कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट रेसिपी किस पे चाहिए। मैं मिलूंगी आप सबसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।